नमस्कार, मैं दीप्ति, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। गुरदासपुर के गांव बब्बेहाली में तीन दिवसीय बब्बेहाली छिंज मेले के आखिरी दिन विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नौजवान पीढ़ी को रोजगार मेले के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि नौकरियां तो नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां दे रही हैं, जो वे पहले से देती आ रही हैं। ये कोई नई योजना नहीं है। साढ़े दस साल के अंदर असी बड़ी स्पोर्ट्स को प्रमोट किया, खास करके कबड्डी तो रूरल स्पोर्ट्स। साढ़ा घट तो घट 150-200 करोड़ रुपये का बजट हर साल का खेडा वास्ते हुंदा सी, जिहड़ा अज बंद कर दिता। असी पिंडां विच जिहड़े स्टेडियम बनाए, असी जिम दिते, असी खेडां दा समान वंडिया। मैं लगता कोई पिंड नहीं होना जिथे जिम ना दिता होए। हर मतलब क्लब नूं असी कोई स्पोर्ट्स किट दिंदे सी। साडी एम इक्को ही सी कि यंगस्टर नूं इनकरेज करिए। असी स्टेट लैवल दियां, डिस्ट्रिक्ट लैवल दियां गेम्स कराउंदे सी, क्योंकि असी देखिया कि आई खेडां नौजवान जुड़ जाएंगे तो अपने आप ही अपनी कौम से अपना पंजाब अगे वधूगा। सो बड़े इनसेंटिव से, मैंने दुख ना कहना पैंदा, वो सारा काम ही बंद हो गया पिछले 8 महीने। जो जॉब मेले है वो मेला नहीं है, वो फ्रॉड है। हर साल हर कॉलेज पंजाब का जो कंपनियां जो BA पास होंदा उसके बाद होंदा, वो कंपनियां अपने आप आउंदियां। आज दे नहीं, पिछले 10 साल दी असी शुरू कराया सी। साढ़े टाइम दे टाइम हर ITI प्लेसमेंट असी पिछले 10 साल की करा रहे हैं। मैं तो हैरान है, असी 10 साल का जो प्रोग्राम शुरू किया हूँ लोग कहते कि साढ़ा इन्हों को एक्चुअली बैंकरप्सी हुई पई है। इन्हों कोई आइडिया नहीं है, कोई पता नहीं है। इन्हों का एक ही ना कि झूठ बोल के दिखाइए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्फ माका ट्रॉफी इस बार फिर से पंजाबी यूनिवर्सिटी की झोली में आ गई है। इस बार खेल दिवस पर गणमान्य राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के VC व डायरेक्टर को सम्मानित किया, जिसके बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों में खुशी पाई जा रही है। पटियाला पहुँचने पर VC BS घुमन व डायरेक्टर ने अपनी खुशी को मीडिया के साथ बांटा। बहुत खुश हैगी है यूनिवर्सिटी, नहीं रादर सारी पंजाब स्टेट बड़ी खुश हैगी है भी ये बहुत बड़ा मतलब कि अचीवमेंट है जिहड़ी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे खिडारियों ने, कोचिस ने, फिजिकल एजुकेशन दे टीचर्स ने, जां एफिलिएटेड कॉलेज दे प्रिंसिपल्स ने, जां अपना डायरेक्टर स्पोर्ट्स ते उन्हां दे सहयोगी हैगे है। मैनूं यह लगता है भी यह किसी एक बंदे दे नाँ ते इह सिरा नहीं बजना चाहिए। ये तो सारयां नूं मतलब कि कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी है। तो मैं जिन्ना क थोड़े दिनों इत्थों इन्हां दा वर्क कल्चर समझण की कोशिश की है, बहुत अच्छी टीम के तौर पर, बड़ी हैल्दी टीम के तौर पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो साडा जिहड़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वह सारियां यूनिवर्सिटियां नालों बेहतरीन सुविधा जिहड़ी हैगी उन्होंने प्लेयर्स नूं प्रोवाइड कर रहा है। मैनूं नहीं लगता भी जिन्ना प्लेयर्स नूं असीं फाइनेंस के तौर पर जां इन काइंड फॉर एग्जाम्पल होस्टल असीं उन्होंने फ्री रखा है, AC होस्टल हैगा, तो कोचिस उन्होंने नाल चलते हैं जो भी उन्होंने लोड़ पैंदी है, रादर दैन वो कोचिस दे नाल चलदे, साडे कोचिस उन्होंने नाल चलते हैं। मैनूं लगता भी जो असीं सारियां चीज़ां नूं मिला के एक मॉडल के तौर पर जां एक स्कीम के तौर पर देखते हैं भी साड़ी बड़ी बहुत वधिया स्कीम है जिहड़ी रिजल्ट लैके आउंदी है। सिर्फ असी पैसा नहीं खर्चते, वो पैसे का पूरा लाहा लैके असी स्टेट नूं, यूनिवर्सिटी नूं, कंट्री नूं ये दिखाने भी असी ये दावेदार हाँ, तो सही मायने च असी उस पैसे नूं वरत रहे। डेरा सिरसा मुखी राम रहीम मामले के चलते भड़की हिंसा के मुद्दे पर हरियाणा की खट्टर सरकार अब विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। इस क्रम में हरियाणा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा चौहान के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ज्ञापन सौंपा और खट्टर सरकार को बर्खास्त कर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। IPL, ISL, प्रो कबड्डी, प्रीमियर बैडमिंटन लीग की ही तरह बैडमिंटन कोर्ट से संन्यास ले चुके शटलर्स को कोर्ट पर लौटने का एक और मौका मिलने वाला है। पंचकुला में देश की पहली मास्टर्स बैडमिंटन लीग का आयोजन 24 से 26 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें 35 प्लस कैटेगरी से ऊपर के प्लेयर्स हिस्सा लेंगे, जबकि वुमेन्स में 30 प्लस कैटेगरी की शटलर्स चुनौती पेश करेंगी।
हरियाणा के पंचकुला में होने वाली इस लीग को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। सर, मास्टर बैडमिंटन लीग इज बेसिकली ये जड़ी लीग हैगी असी मास्टर्स वास्ते ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस दे विच जिन्ने भी 35 ईयर प्लस दे जड़े एज ग्रुप वाले मास्टर प्लेयर हैगे है असी उन्हां नू कवरेज कर रहे हैं। दैट इज दिस जड़ी असी लीग कर रहे हैं ये अंडर BI दे ऑब्जरवेशन और हरियाणा एसोसिएशन दी ऑब्जरवेशन दे अंडर असी कर रहे हैं। और साडा विजन ये हैगा कि जिन्ने भी मास्टर्स हैगे है वो इस दे विच पार्टिसिपेट करे और ताकि जिहड़े साडे बच्चे हैगे है उसका अच्छा माहौल बने और उन्होंने स्किल्स से लर्न कर सके। चंडीगढ़ सेक्टर 10 स्थित होटल माउंट व्यू के ठेकेदार कमलजीत सिंह बजाज ने चंडीगढ़ के एक्साइज विभाग में तैनात अफसरों पर तंग परेशान करने के आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता करते हुए बजाज ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कोर्ट में मामला ले जाने के कारण उसके ठेके बंद कर दिए गए और उसको तंग परेशान कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बजाज ने ये भी दावा किया कि उन्होंने कुछ ऑफिसरों की इस करतूत का वीडियो भी बनाया है जो कि जल्द मीडिया के सामने पेश करेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट में हमने जो ठेके लिए पिछले साल से मिस्टर रविंद्र कौशिक एज ATC जो उन्होंने ज्वाइन किया और वो हरियाणा से आए थे, मिस्टर रमेश बटेजा वो हरियाणा से आए एज ATO, तो ये नहीं समझ में आई कि ये हरियाणा वालों को हरियाणा लाइसेंसी को बेनिफिट देना चाहते थे या इनकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों के साथ कैसी थी जो इन्होंने हमें हरासमेंट की भी कोई लिमिट होती है तौबा ही करवा दी हमारी, मतलब हाथ ही जोड़वा दिया और हमने हाथ भी जोड़ के माफ़ी तक मांग ली, सब कुछ वो कर दिया जो ये चाहते थे। पर ये बढ़ते ही गए, जहाँ तक हम झुकते गए ये आगे बढ़ते गए एंड दे ट्राई टू नेल अस डाउन लाइक एनीथिंग, मतलब कोई लिमिट भी होती है इस चीज़ की, जहाँ तक कोई मरोड़ा जा सके वहीं तक करना चाहिए। 1.5 साल मैंने आपको अभी भी ब्रीफ किया, मेरे पास इन्होंने मुझे एक तरह से मतलब लिखारी बना दिया। मैंने कोई एक दिन नहीं होगा जब एक्साइज में कोर्ट में धक्के नहीं खाए। मैं इन पे तो क्या ही मैंने कोई बात एलिगेशन लगाना था, मैं तो अपनी डिफेंस करता रह गया हूँ, कभी ठेके खुलवाता रह गया हूँ, कभी लाइसेंसों को ओपन करवाने के लिए लगा हूँ, अभी भी लाइसेंस बंद हैं। हार के इन्होंने मेरे ऊपर उल्टा FIR दर्ज करवाने की कोशिश की है 2 बार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक सवेरा TV।